आज हम लोग बात करेंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि बिलासपुर के अंदर लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये अपना एक JFTI के अंदर आता है, बहुत ही शानदार सा कॉलेज है। इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल जो है आपको इस कुछ 15 PPTs के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। और आपने कॉलेज रिव्यू देख लिया होगा जरूर से, स्टार्टिंग में कैंपस टूर वगैरह कैसा क्या है, और बाकी जो भी डिटेल्स है, बहुत ही छोटी छोटी सी डिटेल्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर से देखना। सबसे पहले कुछ अगर मैं कॉलेज के बारे में बताऊं, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसा कि आप सभी को पता है। ये छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर नाम की सिटी के अंदर लोकेटेड है, और ये 2009 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। और कहीं ना कहीं इसके अंदर 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि आपका हो जाता है CSE, IT, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। BTech, MTech, PhD के कोर्सेज जो है आपको SOS, जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का इनका जो है ब्रांच रहता है, जो कि 1997 में स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 2009 में ऑब्वियसली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टेब्लिश हुआ, उससे पहले से ये कॉलेज 1983 से चलता आ रहा है। इसके बाद आगे मैं बात करूँ, तो आप अगर कॉलेज पे पहुंचना चाहते हो कनेक्टिविटी की जहां तक बात करें, तो अपन बिलासपुर जंक्शन पहुंचेंगे, वहां से 21 किलोमीटर की दूरी पे हमें ये यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा। और अगर मैं बाय एयर जाना चाहता हूं, तो उसके लिए 139 किलोमीटर की दूरी पे आपको स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉलेज के आसपास, यूनिवर्सिटी के आसपास कौन कौन सी प्लेसेस है जो कि मैं घूम सकता हूँ, तो यहाँ पे तीन चीज़ें, ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जरूर देखने को मिलता है। एक करण पेंडारी जू पार्क नाम का 11 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको कूटा घाट डैम जो है वो आपको 21 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद आपको जो है और दो तीन चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप कॉलेज जाएंगे तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी जो यहाँ पे चीज़ें थी जो मुझे मिली इंटरनेट पे, वो मैंने यहाँ पे मेंशन इस पे कर रखा है। इसके बाद अगर मैं कुछ की पॉइंट्स की बात करूँ, तो टोटल एरिया जो होता है पूरी यूनिवर्सिटी का, वो आपका 665 एकर्स के अंदर कॉलेज है पूरा। उसके बाद नैक से इसको B+ ग्रेड मिला हुआ है। लोकेलिटी अर्बन है, यानी कि थोड़ा सा सिटी टाइप का एरिया है, तो चीज़ें आपको आसानी से मिल रही होंगी वहाँ पे। JEE Mains के बेसिस पे एडमिशन होता है, और काउंसलिंग जो है आपकी जोसा काउंसलिंग है, CSAB काउंसलिंग है, उसके साथ साथ कॉलेज अलग से अपने लेवल पे काउंसलिंग करवाता है, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होती है। और कॉलेज लेवल की काउंसलिंग जो होती है, जिसमें सीट्स बच जाती है जोसा और CSAB से, तो कॉलेज लेवल की काउंसलिंग में इसको फिल किया जाता है। चीज़ें ऑनलाइन ही होती है और ऑफलाइन भी होती है, CSAB के बाद ये चीज़ें ऑफलाइन भी होती है, लेकिन CSAB से पहले भी कई बार कॉलेज एडमिशन ले लेता है BTech कोर्सेज के अंदर, जो कि ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस होती है। और इसके बारे में भी सारी चीज़ें अपन बात करेंगे जब काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होगी। तो इनके कट ऑफ बहुत कम जाती है, अगर मैं बात करूँ कॉलेज लेवल काउंसलिंग की, जोसा और CSAB के कंपेरेटिवली। लैंग्वेज ऑब्वियसली हिंदी वगैरह बोली जाती है, लेकिन थोड़ा सा जो है लोकल लैंग्वेज भी रहता है उधर, वेदर नॉर्मल रहता है। अगर विजिटर की मैं बात करूँ, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी अपनी तत्कालीन प्रेसिडेंट है, वो वहाँ पर विजिट कर चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी आप सारी डिटेल को आप एक बार देख सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूं, तो ये पिक्चर आपको दिख, जो तत्कालीन प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो यहाँ पे आई है। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे फी डिटेल की बात करेंगे, तो फी डिटेल आपका VTech फर्स्ट ईयर की, अगर मैं जहाँ तक बात करूं, तो 15,700 आपका और सेमेस्टर का, 13,150 इवन सेमेस्टर का लगता है। यानी कि अगर मैं देख लूँ कि पहले ईयर के अंदर लगभग आपको 15-13 28,000, टोटल 29,000 के आसपास आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 26,000 करके चीज़ें आपको लगती है, 26-27,000 के आसपास। तो फी अगर मैं एक हिसाब से मोटा मोटी कह दूँ, तो आपको 30,000 रुपये पर साल आपको फ़ी देनी होती है, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम फी है। और बहुत कम फी इन द सेंस मैं कहूँ, तो ये लगभग मैं कह सकता हूँ इंडिया के अंदर आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उनमें टॉप 10 के अंदर आ सकता है, ये लो फी वाले कॉलेजेस के अंदर। 2 सेमेस्टर होंगे, एडमिशन फ़ी आपका 600 लगेगा। सारी की सारी फ़ी जो है यहाँ पे मेंशन्ड है, एक एक करके चीज़ें कैसे कैसे होती है। और यहाँ पे
इस चीज को आप देख सकते हो। पीपीटी आप डाउनलोड भी कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी इन चीजों को इजीली अच्छे से पढ़ सकते हो। जो मोटा मोटी बात है वो यही है कि 30,000 रुपये आपको साल का यहाँ पे देना होता है। उसके अलावा हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल्स यहाँ पे आपको टोटल 4 हॉस्टल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला होता है स्वामी विवेकानंद बॉयज हॉस्टल जिसके अंदर 436 बच्चे रह सकते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह बॉयज हॉस्टल जिसमें 200। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बॉयज हॉस्टल जिसमें 200 सीट्स हैं। और चौथा जो अपना आ जाता है वो गर्ल्स हॉस्टल है, राजमोहिनी देवी गर्ल्स हॉस्टल जिसमें 436 लोग जो हैं इसमें रह सकते हैं। पर्सनल कूलर भी आपको मिल सकता है जिसके 100 रुपये पर मंथ आपको एक्स्ट्रा चार्ज लग सकते हैं। उसके बाद हॉस्टल फी की मैं बात करूं, 10,000 रुपये हॉस्टल फी आपकी लगती है। उसके साथ साथ 2,000 रुपये जो कि रिफंडेबल काउजन मनी लगती है। उसके साथ साथ 9,450 जो कि हॉस्टल काउजन मनी, और टोटल आपको 21,450 रुपये एक साल की आपको फी देनी होती है। टोटल इन टोटल बात करूं, ये 2,000 इसमें से आपको रिफंड हो जाएंगे तो 19,000 रुपये आपको टोटल यहां पे देने होंगे हॉस्टल्स के लिए। इसके बाद कुछ फैसिलिटीज की मैं बात करूं तो सेंट्रल लाइब्रेरी है यहां पे, हॉस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर सेंटर है, कैंपस बहुत ही शानदार आपको यहां पे देखने को मिलता है। 665 एकड़ का बहुत ही बवाल सा कैंपस यहां पे है। ऑडिटोरियम यहां पे आपको बहुत ही बड़ा सा देखने को मिलता है, कैफेटेरिया है, बस सर्विसेज है, गेस्ट हाउस है, स्पोर्ट्स है, बैंक एटीएम और पोस्ट ऑफिस जैसी फैसिलिटीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो फैसिलिटीज के अंदर मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पे चीजें आपको देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। लाइक थोड़ा बाहर जाना जो है ज्यादा नहीं रहेगा आपको, छोटे छोटे कामों के लिए कैंपस में ही वो सब चीजें आप निपटा सकते हो। उसके अलावा हॉलीडेज की ये लिस्ट हो जाती है, मैं इसको पढ़ के नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी हॉलीडेज हैं, तो इसको आप पीपीटी डाउनलोड करके आप इजिली पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे हॉलीडेज है, सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। सैटरडे और संडे को जो है ऑब्वियसली छुट्टी रहती है, टोटल 5 दिन आपकी क्लासेस रेगुलर चलती है। उसके अलावा कट ऑफ की अगर मैं जहां तक बात करूं तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए ओपन सीट ऑल इंडिया के लिए केमिकल इंजीनियरिंग 2,54,000 पे क्लोज हुई है, सिविल इंजीनियरिंग 1,78,000 पे क्लोज हुई है, और सीएससी की अगर मैं बात करूं तो 78,000 पे क्लोज हुई है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सीएससी के 78,000 पे जो क्लोज कर रहे हैं ना ओपन जनरल कैटेगरी के लिए ऑल इंडिया के लिए, ये कहीं भी लैंड नहीं करेगा आपको जो है। अगर कॉलेज लेवल काउंसलिंग के ऊपर हम जाएंगे तो ये 78,000 लगभग आपको यहाँ पे 1,50,000 तक भी सीएससी मिल सकता है जनरल कैटेगरी वालों को कॉलेज लेवल काउंसलिंग के अंदर। तो इसीलिए ये चीज मैं कह रहा हूँ, ये आपको सीसैप का कट ऑफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सारी चीजों का आप पढ़ सकते हो, पॉज कर लो वीडियो को और आराम से आप चीजों को पढ़ सकते हो। मैं मोटा मोटी बताऊं आपको तो ईसी की कट ऑफ भी वही 1,45,000 के आसपास यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी को मिल रही होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आपको जो है 3,48,000 के आसपास मिल जाती है, और सारा का सारा कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी सब के लिए चीजें मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। अगर मैं अगले पॉइंट के ऊपर आऊं जो कि अपना स्पोर्ट्स हो जाता है, तो स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पे बेहतरीन अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया आपका, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इनडोर आउटडोर सारी चीजें यहाँ पे है। तो फैसिलिटीज कैंपस बहुत बड़ा है आपका 665 एकर्स का, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है अगर आप इसमें भी अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हो तो। उसके अलावा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका बहुत से लोग इंतजार कर रहे होते हैं, प्लेसमेंट्स की बात करूंगा मैं। प्लेसमेंट के अंदर देखिए आपको मैक्सिमम सैलरी जो है 11 से 15 LPA के आसपास आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। प्लेसमेंट एक ऐसा पॉइंट था जिसपे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ इस कॉलेज के बारे में, बाकी सब बहुत कमाल का यहाँ पे देखने को मिलता है। एवरेज 4 से 5 LPA के बीच रहता है। अगर मैं कंपनीज की बात करूं, TCS, IBM, रिलायंस, एयरटेल, इंफोसिस, विप्रो, DRDO, कॉग्निजेंट, ऐसी ऐसी कंपनीज यहाँ पे आपके कॉलेज में आती है और बच्चे उठा के ले जाती है, ये कंपनीज यहाँ पे आती रहती है रेगुलर। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेसमेंट का डेटा, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में दी गई है, कोई भी बिना प्रूफ के बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें है यहाँ पे और इसको आप पढ़ सकते हो बच्चों के जो प्लेसमेंट यहाँ पे। मैं बात करूं प्रोज एंड कॉन्स की, तो सबसे पहली बात यह आ जाती है कि आपके कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी आ चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई भी कंपनी को अट्रैक्ट करेगी ये चीज। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपका, GFTI है, फी आपके कॉलेज की बहुत कम है, यानी कि आप अगर फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है तो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स आपको उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं देखने को मिलती है, जो कि ऑब्वियसली मैं कॉन्स के अंदर डिस्कस करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमाल का है, कैंपस लाइफ आप
आपको बहुत ही ज़्यादा बवाल देखने को यहाँ पे मिलेगा। स्पोर्ट्स के अंदर कॉलेज बहुत अच्छा, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रही है, आप स्पोर्ट्स के अंदर जाके भी बहुत कमाल का काम यहाँ पे कर सकते हो। कॉन्स की बात करूँ, प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है। ऑब्वियसली प्लेसमेंट के अंदर 10-15 की बात मैंने की, वही हाइएस्ट पैकेज यहाँ का रहता है। मेनली मास रिक्रूटिंग कंपनीज यहाँ पे आती है, जैसे आपका TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज आपको मैंने यहाँ पे बताया। उसके अलावा हॉस्टल्स के अंदर जो है अच्छे कंडीशन में नहीं है हॉस्टल्स, यानी कि ये कहूंगा कि बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी है, चीजों को अब जो है रिन्यू करना पड़ेगा, चीजों को अब अच्छे से जो है उनको देखभाल करना पड़ेगा, कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, वो चीजें हो जाती है जो कि गवर्नमेंट के अंदर है ऑब्वियसली। और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको लेस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं कहूंगा ना के बराबर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑब्वियसली आपको ऑफ कैंपस ट्राई करना होगा इंटर्नशिप के लिए। अगर यहाँ पे रिव्यू की बात की जाए तो हॉस्टल को यहाँ पे 7 out of 10 दिया गया है, कैंपस की बात करूं तो 8 out of 10 यहाँ पे कैंपस को दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स के अंदर भी 8 out of 10 मैं इस कॉलेज को दूंगा, ठीक है। लेकिन जहां तक बात आएगी प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट के अंदर मैं इसको 5 out of 10 दे रहा हूँ, 5 out of 10, जो कि मैं बहुत ही ज्यादा अपने लिमिट को पुश कर रहा हूँ, ठीक है। 5 के भी लगभग जो है ये कॉलेज नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए कहीं ना कहीं GFTI है, चीज़ें अच्छी है, तो मैं इसको ये कह दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँगा ओवरऑल अगर देखें तो 6.527 के अंदर ये कॉलेज रैंक करता है, 6.527 out of 10 इस कॉलेज को मैं ओवरऑल रिव्यू दूंगा। बाकी अगर आपको रिव्यू अच्छी लगी हो, जो भी आपने देखा इस वीडियो के अंदर, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ लगी कि ये आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इस PPT के अंदर, तो बाकी जो रिव्यूज़ हैं, जो कि क्योंकि हम बहुत सारी रिव्यूज़ बहुत सारे कॉलेजेस के बनाने वाले हैं, तो उसमें हमें हेल्प हो जाएगी, आप एक बार कमेंट के अंदर जरूर बताएं उस चीज़ को। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।